बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग ऑफ वर्क डन वाय अ फोर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो चैनल को आप सब्सक्राइब करो सारे, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से उस पर ऊपर लाइव क्लासेस ले सकूं। उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है, तभी हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, और वहां पे आप लोग इजिली उसको देख भी सकते हो। तो आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब कैलकुलेटिंग ऑफ वर्क डन बाय यूजिंग अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करी है उस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट और आपने जो फोर्स अप्लाई करी है उनको मल्टीप्लाई करते हमें क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने एक इसके ऊपर फोर्स लगाई है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाई है, एक ब्लॉक रखा है ग्राउंड के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगा दी है। अब ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से बने, एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट, एक वर्टिकल में कंपोनेंट। तो एंगल थीटा यहां बन रहा है, तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। तो इस जहां थीटा है उस साइड कौन सा आ जाता है प्रोडक्ट आपके पास, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा जाता है, कॉस थीटा, और दूसरी साइड साइन थीटा जाता है। क्लियर है? तो अब ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है किसकी वजह से मूव कर रहा है, कॉस थीटा की वजह से मूव कर रहा है। अगर ये जो इसके पास क्या लग रहा होगा, ग्राउंड में एमजी लग रही होगी डाउनवर्ड में। अगर ये साइन थीटा, एफ साइन थीटा एमजी से ज्यादा होगी तभी ये अपवर्ड मूव करेगा, अदरवाइज अपवर्ड मूव नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला कि ये सिर्फ कहां मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, एस ट्रेवल कर लिया। तो वर्क डन बाय फोर्सेस कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस, यही होगा। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखूं तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। ठीक है, अगर एफ हमारे पास न्यूटन में दे रखा है, एस मीटर में दे रखा है, तो यूनिट क्या बन जाएंगे, जूल बन जाएंगे इसके। क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। अ बॉडी इज प्लेस्ड 4, 3, 1 इज डिस्प्लेस्ड टू अनदर पॉइंट 5, 2, 4 बाय अप्लाइंग अ फोर्स आई माइनस जे प्लस 4K, फाइंड वर्क डन। ठीक है, तो इनिशियली जो बॉडी थी वो कहां पे रखी हुई थी, 4, 3, 1 के ऊपर। अब उसको डिस्प्लेस कर दिया है दूसरे पॉइंट के ऊपर 5, 2, 4 के ऊपर। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग फोर्स, अप्लाई करिए फोर्स आई माइनस जे प्लस 4K, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जो चेंज इन पोजीशन आया उसकी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो फोर्स हमें पता है, डेल्टा एस कितनी होगी, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, 5x में बाय जेड, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 2j प्लस 4k माइनस 4i प्लस 3j प्लस k। तो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या मिल गया हमें, डेल्टा एस मिल गया। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ डॉट डेल्टा एस। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा वर्क डन, एफ की वैल्यू लिख दी हमने, डेल्टा एस की वैल्यू लिख दी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल ले तो क्या आएगा, 1 जे माइनस जे 1, 4, 3 12, तो कितना आ गया, 14 यूनिट आ जाएगा। अगर ये फोर्स न्यूटन में है और ये किस पे है, मीटर में है, तो ये कितने यूनिट क्या बन जाएंगे, जूल बन जाएंगे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 14 जूल बन जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।